और बड़ी खबर जुनूबी कश्मीर से आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट टू के दरमियान इस वक्त झड़प शुरू हुई है, एनकाउंटर चल रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले बताया ये जा रहा है कि जो देर रात इलाके में सर्च ऑपरेशन कुलगाम का वनपो इलाका, जहां पर खंडवानी के इस करीबी इलाके के अंदर देर रात सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुरू किया था, उस इलाके के अंदर अब गोली चलने की आवाज सुनाई दी गई है। दोनों अतराफ से गोलियां चल रही हैं और जो सर्च ऑपरेशन देर रात से इस इलाके में शुरू हुआ था वो अब एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के साथ साथ एक राष्ट्रीय राइफल्स के जवान इस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। वानपोरा का इलाका खुडवानी कुलगाम का, जहां पर 2 से 3 मिलिटेंट टू के मौजूद होने की इत्तला मिली हुई है। और इस बीच सर्च ऑपरेशन अब एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई है और खबर ये आ रही है कि एक रिहायशी मकान के अंदर 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई में अभी तक हालांकि किसी के मारे जाने की या किसी तरह के नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी चीज ये कि इस वक्त एनकाउंटर कुलगाम के अंदर जारी है और देर रात जो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था उस सर्च ऑपरेशन को एनकाउंटर में तब्दील होते ज्यादा वक्त नहीं लगा है। सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चलाया जा रहा था, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें शामिल थी, एसओजी के साथ साथ सीआरपीएफ और एक राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। फिदा हुसैन हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुनूबी कश्मीर से हैं। फिदा, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं? बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये कल देर रात की बात है जब एक राष्ट्रीय राइफल्स, कुलगाम पुलिस और सीआरपीएफ ने वहां पूरा इलाके का मुहासरा किया और ऐसा खदशा था कि शायद जो ये सर्च ऑपरेशन है ये 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद इख्तिताम पजीर होगा, लेकिन जिस तरह से ये रात भर चलता रहा और जो ही सुबह के 7:30 से 7 बजे जो ही तलाशी फिर से शुरू की गई तो अचानक गोलियों की आवाज जो है वो इलाके में सुनाई दी गई। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना मोर्चा संभाला, चारों ओर उन्होंने उस इलाके की घेराबंदी पहले ही की गई थी, उस इलाके में लाइटें भी इंस्टॉल की गई थी ताकि रात के अंधेरे का कोई फायदा ना कोई उठा पाए। उसके बाद में आसिफ आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो पिछले आधे घंटे से जो गोलियों की आवाज जो है वो बंद है दोनों तरफ से और अभी फिर से सर्च ऑपरेशन जो है, सर्च पार्टी जो है वो अंदर उस इलाके में गई है जहां पर मिलिटेंटों के होने की इतला सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी। एक राष्ट्रीय राइफल्स, कुलगाम पुलिस, सीआरपीएफ ने इस इलाके की घेराबंदी की थी, लेकिन मैं डालू पिछले दो चार दिनों पे एक नजर, पिछले 2-4 दिनों से इस इलाके के आसपास जितने भी इलाके हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस मुहासरे में लेती थी, वहां पर 2 से 4 घंटे देती थी और उसके बाद बाहर निकलते थे। लेकिन एक एक जानब अगर गुब्बल इलाके की बात करेगी, वहां पर 3 दिन पहले पूरा दिन जो है वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उसके बगल में एक और इलाका आता है वहां पर भी दिन भर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की घेराबंदी की थी। कहीं ना कहीं पे पिछले कई दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेज को ये खबर थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है उनकी नकल हमल जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंचती थी कहीं ना कहीं पे मिलिटेंट जो है वो पहले ही वहां से निकलते थे। लेकिन आज जिस तरह से कल रात को वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी की थी और ऐसा आज लग रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पक्की खबर थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी वहां पर है, लेकिन आसिफ यहाँ पे मैं ये बता दूं आपको कि वहां पर कितने मिलिटेंट है ये कहना मुश्किल है, क्या 1 से 2 मिलिटेंट है या 2 से 3 मिलिटेंट है, लेकिन जो हमारा जराया है उनका यही कहना है कि वहां पर 1 से 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। फिदा, ये इलाका किस तरह का है? और खबर ये भी आ रही है कि जो मिलिटेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया ताकि वो सरेंडर करने पर मजबूर हों। देखिए आसिफ, जब भी कहीं पर भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो कहीं ना कहीं पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है जब वहां पे बड़े ऑफिसर्स होते हैं तो वो उनके घर वालों को बुलाते हैं कि उनको मौका भी देते हैं कि उनको बता दीजिए कि आप सरेंडर करें, आप हथियार छोड़ के बाहर आ सकते हैं। हालांकि क्योंकि यहाँ पे 12 घंटे से ज्यादा वक्फा गुजर चुका था जब यहाँ पे तलाशी कार्रवाई चलाई गई थी, लेकिन सुबह तकरीबन 6:30 और 7 के आसपास
गोली की आवाज सुनाई दी गई और आसपास के इलाके के जो रहने वाले लोग हैं उनको लगा कि कहीं ना कहीं पे जो झड़प है वो शुरू हुई होगी या तो कहीं ना कहीं पे किसी ने गोली चलाई होगी। लेकिन उसके बाद यही खबर आई कि इलाके में झड़प जो है वो शुरू हुई, लेकिन पिछले 30 और 35 मिनट से गोलियों की रफ्तार जो है वो रुक गई है। अब ये देखना होगा कि कितना वक्त और लग सकता है। ये भी बताइएगा इंटरनेट सर्विसेज इलाके में सस्पेंड की गई है। देखिए आसिफ, मैं बता दूं आपको कि जब भी कहीं पर झड़प शुरू होती है तो इंटरनेट को सबसे पहले सस्पेंड किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, क्योंकि जिला कुलगाम जो ये इलाका है ये काफी ज्यादा अनंतनाग से मिलता भी है, अगर हम देखेंगे, क्योंकि अनंतनाग के पास ही, अनंतनाग के पास भी नहीं कहेंगे लेकिन जिला इसका कुलगाम आता है और अनंतनाग से बिल्कुल नजदीक ये इलाका पड़ता है, क्योंकि ये इलाका रिहायशी इलाका है और इस इलाके में पहले जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची थी उनको भी काफी वक्त लगा होगा वहां तक पहुंचे, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, पूरा रिहायशी इलाका है और वहां पे जाने में बिल्कुल अनंतनाग से कम ही वक्त लगता है, ना कि जितना कुलगाम से। आसिफ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो बड़ी खबर कुलगाम से, हालांकि विजुअल्स आप पुराने देख रहे हैं, इस वक्त की तस्वीरें नहीं है, लेकिन इस बीच बड़ी चीज ये है कि जो सर्च ऑपरेशन देर रात शुरू हुआ था, जो कल शाम से ही खबरें आ रही थी कि इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा किया और उसके बाद साथ ही साथ ये भी कि इस सर्च ऑपरेशन को एनकाउंटर में तब्दील होते ज्यादा वक्त नहीं लगा, और आज सुबह जब मिलिटेंट्स के साथ फर्स्ट कांटेक्ट हुआ उसके बाद दोनों अतराफ से फायरिंग शुरू हुई, और जैसा कि अभी फिदा बता रहे थे इस वक्त फायरिंग जरूर थमी है लेकिन इलाके के अंदर इस वक्त भी ऑपरेशन फोर्सेज का जारी है। सर्च ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर और अब दोबारा जहां फायरिंग जरूर थमी है दोबारा इस इलाके के अंदर ऑपरेशन जारी है।